डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के तहत आज क्लास 9 इंग्लिश मीडियम के मैथमेटिक्स के जो फर्स्ट लेसन है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, उसका 8th पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। 7th पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक अर्थमेटिक जो बुक है उसमें वैदिक सूत्रों का विवरण दिया गया है। हमने आपसे कहा था कि हम इसके अगले पार्ट में उन वैदिक सूत्रों से संबंधित जो सवाल हैं वो आपको करवाएंगे, तो आपके जो का जो लेसन है उस लेसन में 2 सूत्र दिए गए हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है एका न्यूनेन पूर्वेण, यानी पहले से 1 कम करना है। अब ये जो सूत्र है संस्कृत का, इसका मतलब है द स्क्वायर ऑफ नंबर्स फॉर्म बाई 9, 99, 999, 999, 4, 5, 6, 7 कितने भी बार हो, उनका यदि हमें स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर निकालना है, तो उसके लिए एका न्यूनेन पूर्वेण, पहले वाले में से 1 कम करना है। ये तो हो गया फॉर्मूला, यानी पहले में से 1 कम करना है, ये बात याद रखना है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मान लीजिए हमें 999 का स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर का मतलब आपको मालूम होगा, यानी उसी संख्या का, उसी नंबर का, उसी नंबर में मल्टीप्लाई। यानी मान लीजिए आपके सामने 3 का स्क्वायर है, तो 3 × 3 = 9। तो 999 का स्क्वायर निकालना है, तो 999 × 999 यही हुआ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कहते हैं एका न्यूनेन पूर्वेण 999 999। अब यहां देखिए लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर 1 लेस देन 99, यहां 998 आए। 998 क्यों आए कि यहां पर पहले में से हमने 1 घटा दिया, यानी 1 माइनस कर दिया, यानी इसमें से जब ये माइनस किया तो 998 आ गया। अब दूसरा जो पार्ट है, ये पार्ट 001 क्यों आया, इस पार्ट के लिए हमको करना क्या है, राइट पार्ट ऑफ द आंसर 999 माइनस, यानी जो ये 998 आया इसमें से इसको हमने माइनस किया। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसको ऐसा का ऐसा यहां उतार दिया और इसको ऐसे का ऐसा यहां लिख दिया, यानी 998001 इसका स्क्वायर होगा। फिर से समझते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है एका न्यूनेन पूर्वेण, पहले वाले में से हमने 1 माइनस किया, ये हो गया 998। अब ये जो दूसरा वाला है इसमें से 998 को माइनस किया तो आएगा 001, इसको 001 को यहां लिख देंगे और 998 को यहां लिख देंगे और ये पूरा जो होगा ये आपका आंसर होगा, यानी 999 का स्क्वायर होगा। आप पूछ सकते हैं कि ये तो आपने 2-3 नंबरों का बता दिया, अगर मान लीजिए ये 009 होता, यानी केवल 9 होता तो क्या होता, यहां तो एक ही नंबर है, तो हम इसको यो मानते हैं 09 × 09। अब देखिए इसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस किया तो जीरो हो गया 8, और 09 में से 1 माइनस करेंगे तो ये यहां आएगा, कितना आएगा 1, यानी कितना हो गया 81। इस तरह
नाइन 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 के कितने भी हो, 5, 6, 7, 8, 10, 20, उनका अगर स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं एका न्यूनेन पूर्णेन। उस बुक में दूसरा सूत्र दिया है एकाधिकेन पूर्वेन, यानी पहले से एक अधिक का प्रयोग करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाले फार्मूले से हम केवल नाइन 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 वाले ही जो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, यदि वंस पर कभी भी कोई फाइव नंबर है किसी भी नंबर का तो इसका स्क्वायर फाइंड किया जाए। इसमें केवल नाइन नाइनटी नाइन 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 इनका ही फॉर्म फाइंड किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है किसी का भी फाइंड किया जा सकता है, 25 का भी हो सकता है, 55 का भी हो, 105 का भी हो, 555 किसी का भी हो सकता है। इसलिए इसको समझना और अच्छी तरह से है क्योंकि इससे तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। इसमें केवल 9 से रिलेटिव ही रहेंगे, 99, 999, 9999, इस तरह से। लेकिन यहां देखिए एक आधे पूरे द नंबर्स होज यूनिट प्लेस इस फाइव कैन बी स्क्वायर्ड बाय दिस मेथड, इस तरीके से उसका स्क्वायर फाइंड किया जा सकता है। इसमें समझिए 105 का होल स्क्वायर इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई 105, 105 और मल्टीप्लाई 105 हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक आधिकेन पूर्वे। अब देखिए इसका ये जो पार्ट है, जो टेंस वाला जो पार्ट है उसको हमने लिखा, और जो टेन है ये टेन है उस टेन है उसमें प्लस वन कर दिया तो ये हो गया 11। यानी हमने जो यहां पर जो नंबर है, जो टेंस पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर में एक प्लस करके उसी से उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 10, 11, 110। यहां पर जो वंस पर नंबर है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी ये हो गया आपका 25। यानी इसको हमने 10 ही मान लिया और ये 10 की जगह ये हो जाएगा 11, यानी एक इसमें हमने जोड़ दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये पार्ट बन। दूसरे यहां ये बचे 5, यहां ये बचे 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 25, 110, 25 ये आंसर है। फिर से समझ लीजिए 105 मल्टीप्लाई 105 इस टेंस को, ये टेंस वाला जो है पार्ट इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको ऐसा का ऐसा उतारा, इस वाले में एक जोड़ दिया, यहां एक माइनस करना था यहां एक प्लस करना है 11, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया ये हो गया 110 यहां आ गया। ये वंस पर 5 भी है, यहां भी 5 हो गई, वो तो क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 5 = 25 यानी 110 25। इस तरह से हम जहां पर जो 5 वंस पर हो किसी भी नंबर का स्क्वायर इस विधि से यानी इस सिस्टम से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये 25 होता, अगर ये 25 होता यानी 25 का स्क्वायर हमको फाइंड करना होता, हमको मालूम है 25 का स्क्वायर कितना होता, लेकिन फिर भी ये अब हम क्या यहां लिखते हैं 25 मल्टीप्लाई 25। टेंस पर जो नंबर है यहां भी ये 2 है, अब देखिए ये 2 है और इसमें ये प्लस कर दिया होगा, ये कितने हो गए 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और ये तो 5 मल्टीप्लाई 5 सभी में चलेगा। अब आपका हो गया 2 3 = 6 और 5 5 = 25 यानी 625 इसका स्क्वायर है। इससे संबंधित कुछ और सम्स लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और कुछ और भी चीजें हम आपको समझाएंगे। वैसे ये जो लेसन फर्स्ट है आज आपका संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।